आमदनी से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी और दीगर मुलजमान पेश हुए। फाजिल अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी समेत दीगर मुलजमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजमान के सेहत जुर्म से इनकार के बाद आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। मफरूर मुलजिम इरफान के अदालत में पेश होने के बाद तरमीमी फर्द जुर्म आयद होनी थी। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए एडिशनल जजों ने हलफ उठा लिया। हलफ बरदारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जाजार में मुनक्कद हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नए जजेस से हलफ लिया। नए एडिशनल जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। तकरीब में नए एडिशनल जज जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस तारिक, जस्टिस नदीम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस आबिद चट्ठा और जस्टिस शान गुल ने हलफ उठाया। जस्टिस राहिल कामरान शेख, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस अमजिद रफीक, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सुहेल नासिर ने भी हलफ उठाया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला ने तकरीब की निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब में जस्टिस शुजात अली खान समेत दीगर फाजिल जजेस भी शरीक हुए। हलफ बरदारी तकरीब में नए एडिशनल जजेस के अजीज़ो अकारिब ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान, सूबाई और वफाकी ला अफसरान और सीनियर वकला भी तकरीब में मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात 13 एडिशनल जजेस भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो गए। चीफ जस्टिस ने नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब करने की मंजूरी दे दी। नई सीनियरिटी लिस्ट में जजों की तादाद 50 हो गई है। ईद करीब आते ही कराची में लूटमार की वारदातें बढ़ गईं। लियारी में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। एन शाहिदीन ने बताया कि लियारी नयाबाद में डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस अहलकार ने डाकुओं को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। एन शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद हो गया जबकि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। शहीद पुलिस कांस्टेबल की शिनाख्त 25 साल मुइज़ के नाम से हुई। अहलकार 4 बहनों का इकलौता भाई था। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम ना हो सकी और रवा साल के इब्तदाई 4 माह में वारदातों में वाज़े इजाफा हुआ है। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के 4 माह में 6760 अफराद को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया और साल 2020 में ये तादाद 5187 रही, जबकि रवा साल में अब तक 14202 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की गई और गुज़श्ता साल जनवरी से अप्रैल तक 9160 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा साल के इब्तदाई 4 माह में 431 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया और गुज़श्ता साल इब्तदाई 4 माह में 408 गाड़ियां छीनी और चोरी की गईं। साल 2021 में एक बैंक डकैती भी रिपोर्ट हुई है, जबकि साल 2020 के 4 माह में कोई बैंक डकैती रिपोर्ट नहीं की गई थी। पुलिस राय का कहना है कि रमजान मुबारक में अब तक स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं।